हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर आमना उस्मान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो चीज रिकॉर्ड करने लगे हैं, हमें बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी थ्रेड्स को लेके, सो थ्रेड्स को थोड़ा सा डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। ये क्या चीज है, कहाँ कहाँ इसकी इम्प्लीकेशंस है, कहाँ कहाँ वो एंटी एजिंग में काम करता है, कौन सा थ्रेड किस चीज के लिए हम यूज कर सकते हैं, और आज जो हम पेशेंट कर रहे हैं वो हम थ्रेड कर रहे हैं डबल चिन रिडक्शन के लिए। यस, आपने सुना होगा कि डबल चिन को आप हाइफू से कम करते हैं, इंजेक्शन लगा के कम करते हैं, बट यस, जब आप हाइफू करते हैं या इंजेक्शन लगाते हैं तो फैट खत्म हो गए, जो स्किन लैक्सिटी रह जाती है यानी जो ढलकती जेल रह जाती है उसको फिर थ्रेड डाल के हम टाइट कर देते हैं। And there you end up with a beautiful chiseled jaw. इस एपिसोड के अंदर बेसिकली हम डिस्कस करेंगे थ्रेड की टाइप्स को, उनकी इंडिकेशंस को, और खास तौर पे डबल चिन रिडक्शन विद थ्रेड्स। थ्रेड्स क्या है? थ्रेड्स बेसिकली धागे, तरह तरह के धागे होते हैं जो कि स्टेरलाइज थ्रेड्स होते हैं, जो कि आपकी स्किन के अंदर हम कुछ जगहों पे कुछ रिजल्ट्स को लाने के लिए इंजेक्ट करते हैं। ओके, देयर आर मल्टीपल टाइप्स, जैसे कि PDO, PCL, PLLA, ये सारे धागे हैं जो यूज होते हैं, ये बेसिकली उनके नाम है धागों के, बट इन शॉर्ट दे आर धागे। देन देयर आर बार्ब और कॉर्क थ्रेड, कुछ सिंपल धागे होते हैं जैसे बिल्कुल सादा रील जैसा धागा, और कुछ धागे ऐसे होते हैं जिसमें हल्की कॉर्ड्स होते हैं, बम्प्स होते हैं धागों के ऊपर। वो किस लिए होते हैं कि जब हम अंडरनीथ द स्किन हम डालते हैं तो वो फैट के अंदर जाके क्लॉ करते हैं, और जब हम पुल करते हैं तो वो आपके फेशिया को और स्किन को लिफ्टिंग के अंदर हेल्प करते हैं। जो सिंपल धागे हैं वो कहाँ पे लगते हैं, और जो कॉग या बार्ब धागे हैं वो कहाँ पे लगते हैं? जो सिंपल धागे हैं वो मल्टीपल लेंथ में, मल्टीपल डायमीटर्स के अंदर आते हैं, जैसे कि यू नो मोनो धागे, डबल ट्विस्ट, देयर लॉट ऑफ अदर नेम्स टू। देयर जनरली सिंपल धागे, या तो सिंपल एक धागा होता है छोटे साइज का या लंबे साइज का, और या फिर वो कोई डबल धागे ट्विस्ट हुए होते हैं ताकि उनकी बेसिकली पावर को बढ़ाने के लिए धागों का नंबर बढ़ाते हैं ताकि वो थिकनेस बढ़े और आपको लॉन्जेविटी ऑफ रिजल्ट्स आए और रिजल्ट्स बेहतर आए एज कम्पेयर टू सिंपल सिंगल धागा। जनरली ये PDO धागे होते हैं। PDO धागे हम कहाँ कहाँ इंजेक्ट कर सकते हैं और ये करते क्या है? PDO धागा सिंपलेस्ट ऑफ द थ्रेड है, बेसिकली स्किन कॉलेजन बूस्टिंग के अंदर बड़े बेहतरीन काम करते हैं। कुछ ऐसी जगह हैं, बड़ी डिफिकल्ट एरियाज हैं जहाँ के ऊपर आप सिर्फ एक ट्रीटमेंट से रिजल्ट्स नहीं ला सकते, जैसे लेट्स टॉक अबाउट द पेरी ऑर्बिटल रिंकल्स। आपने बोटॉक्स लगा दिया, आपने कुछ मेसोथेरेपीज कर दी, बट स्टिल द रिंकल्स आर देयर, तो फिर वहां पे एक इंच का धागा होता है जो कि हम आंखों के नीचे इंजेक्ट कर देते हैं। इंजेक्ट करने का मतलब ये है कि वो एक सुई के साथ धागा आता है, आपने स्किन के नीचे डाला और सुई को निकाल लिया तो धागा स्किन के नीचे रह जाता है, और फिर वो कुछ टाइम के अंदर डिसॉल्व होता है, और डिसॉल्व होने के साथ ही वो स्किन के अंदर एक ऐसा फिनोमेना जनरेट करता है जिससे कोलेजन इंडक्शन होती है और आपका स्किन रिजुविनेट होना शुरू हो जाती है। ये इंच धागे जनरली हम सिर्फ आंखों के नीचे ही डालते हैं बिकॉज दे आर वेरी थिन, दे आर वेरी शॉर्ट, तो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर रिजल्ट आने के लिए भी हमें बहुत सारे धागे इंजेक्ट करने पड़ते हैं। दैट इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, और वो इतना इंक्रीज कर जाता है कि अगर हम इंच थ्रेड को पूरे चेहरे के लिए यूज करें तो एक तो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी और दूसरा उसके रिजल्ट्स बड़े कम हो जाएंगे क्योंकि यू नो द वेरी टाइनी थ्रेड्स। दूसरा लॉन्जेविटी ऑफ रिजल्ट्स, यानी रिजल्ट्स कितनी देर रहेंगे, वो टाइम बड़ा शॉर्ट हो जाएगा। तो फिर अगर हम पेशेंट की पॉकेट को कंपेयर करें बाकी रिजल्ट्स के साथ, कि मतलब इंच धागे करके रिजल्ट्स कितने देर रहा, तो वो बड़ा प्राइस अनफ्रेंडली ट्रीटमेंट हो जाता है। लेकिन यस, फॉर द टारगेटेड एरियाज जैसे कि पेरी ऑर्बिटल, इंच थ्रेड्स आर ब्यूटीफुल टू वर्क विद। उसके बाद यही इंच धागे कुछ लॉन्गर लेंथ के अंदर भी अवेलेबल है, जैसे मोनो हो गया, जैसे डबल ट्विस्ट हो गया। ये धागे उन एरियाज के लिए हैं जिन एरियाज के ऊपर कोई मेजर साइन ऑफ एजिंग नहीं आया होता लेकिन एजिंग शुरू हो रही होती है, जस्ट लाइक यू डू मेसोथेरेपीज एजिंग के लिए, या यू डू PRPs फॉर एज एन एंटी एजिंग ट्रीटमेंट। तो मोनो धागे यू नो या डबल ट्विस्ट या वो आप यूज कर सकते हैं फॉर पर्टिकुलर एरियाज, जैसे कि देयर आर सर्टेन पेशेंट हु डोंट वांट टू गो फॉर बोटॉक्स, जिनकी अभी जरूरत ही नहीं है बोटॉक्स या फिलर्स या समथिंग लाइक दैट, तो एक मोनो धागों का एक नेट बिछा देते हैं पूरे फेस के अंदर। आपके धागे वो एब्जॉर्ब होने शुरू होते हैं, वो फिर कोलेजन इंडक्शन करते हैं और स्किन की रेडियंस में, रिंकल रिडक्शन में, लिफ्टिंग के अंदर काम करते हैं। अगर आप मोनो धागों को, यानी मोनो धागे ये होता है कि सिंगल थ्रेड होता है विद अ लॉन्गर लेंथ, जो बहुत सारे धागे जब इंजेक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा सा ट्रॉमा भी है क्योंकि यू नो देयर आर लॉट ऑफ प्रिक्स इन योर फेस, बट द एंड ऑफ रिजल्ट्स इज रियली नाइस। जो रिजल्ट है वो तकरीबन 4 to 6 months स्टे कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द थिकनेस ऑफ द थ्रेड। देन यू गो विद द डबल ट्विस्ट। डबल ट्विस्ट धागे थोड़े से हम स्ट्रॉन्गर एरियाज पे यूज करते हैं, जैसे कि अगर आपने पफी आईज को रिड्यूस करना हो, आंखों के नीचे जो बबल बन जाता है उसको रिड्यूस करना हो, तो हम डबल ट्विस्ट धागा यहाँ से इंजेक्ट करके इसको पुल कर लेते हैं, तो उसके अंदर पावर भी होती है, इट इज थिन इनफ कि आपके अंडर आई स्किन के अंदर वो बहुत दिखता भी नहीं है, विजिबल भी नहीं होता, एब्जॉर्ब भी इजिली हो जाता है, और बगैर किसी विजिबल इशू के वो बड़ा अच्छा पफी आईज को रिड्यूस करने में भी बड़ा हेल्पफुल होता है। एंड द लॉन्जिविटी ऑफ रिजल्ट, यानी 6 से 8 महीने रिजल्ट स्टे करते हैं। इट्स नॉट यू नो अ परफेक्शन सॉर्ट ऑफ रिजल्ट,
बट यस इट्स अ रियली गुड सॉर्ट ऑफ रिजल्ट, आपको मॉडरेट सॉर्ट ऑफ रिजल्ट्स आ जाते हैं जो कि 6-8 महीने स्टे कर सकते हैं। इसके अलावा मोनो थ्रेड्स और डबल ट्विस्ट धागे जो हैं वो अगर थोड़े बहुत आपको जाउल्स आना शुरू हो जाए, प्री जाउल्स आना शुरू हो जाए, लाफ लाइंस हो, उन लोगों में जैसे यू आर फॉलिंग इन 27-28 ईयर्स, आपको मेजर कोई इश्यूज नहीं है, आप फिलर्स में बोटॉक्स में अभी नहीं जाना चाहते, तो थ्रेड्स कैन बी अ रियली गुड ऑल्टरनेटिव टू ऑल दोज पेशेंट्स और क्लाइंट्स अलॉन्ग विद सम मेसोथेरेपीज और पीआरपी साइड बाय साइड। और फिर अगर आप पीआरपीज और मेसोथेरेपीज को साइड बाय साइड ले रहे हैं तो रिजल्ट्स में लॉन्जिविटी भी होगी, लॉन्ग लास्टिंग भी होंगे, यू विल मेंटेन दैट रेडियंस फॉर लॉन्गर और एंटी एजिंग, एक कोलेजन इंडक्शन का फिनोमेना भी चल रहा होगा। उसके बाद लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द कॉग और बाब थ्रेड्स। कॉग और बाब थ्रेड्स के अंदर पीसीएल भी है। पीसीएल इज द टाइप ऑफ द थ्रेड, आई मीन द कॉग और बाब का मतलब ये है कि धागों के ऊपर एक छोटे छोटे बम्प्स हैं जो क्लॉ करते हैं सबके टेनिस टिश्यू के अंदर, ताकि जब हम धागों को पुल करें तो वो एक पुल्ड इफेक्ट लाएं और स्किन लिफ्टिंग कॉज करें। तो उसके अंदर देयर आर यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, मल्टी डायरेक्शनल एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दे वर्क generally for the same purpose, lifting. Which thread to choose? PDO, PCL, PLLA. That depends on the client. Unki skin thickness kya hai, subcutaneous fat tissue kitna hai, aapke dhage ki thickness kya hai, ye sab matter karta hai jab aap dhaga choose kar rahe hote hain. Aur phir aap kitna spend karna chahte hain, because there are certain brands working with some sort of threads, they are really expensive, then there are some cheaper alternatives to that. So in general, agar aapka jaisa bhi budget ho, aap koi na koi apne choice ka dhaga choose kar sakte hain for a moderate sort of appropriate sort of results. When you talk about the cog thread, they're excellent for lifting. Obviously jo dhaga hai usne collagen induction aur jo sara rejuvenation ka process hai usko to take up karna hi karna hai, lekin side by side aapko lifting results usne bahut acche dene hain. Jaise ki agar aapko marinate lines ban gaye hain, aapko jowls ban gaye hain, aapko laugh line ban gaye hain aur bahut deep hain, to obviously agar hum bahut zyada volume se usko fill karne ki koshish karenge to aapki jo harmony hai face ki volume ki wo aapki loose ho jayegi. I mean obviously you have some upper फेस वॉल्यूम, मिड फेस वॉल्यूम एंड लोअर फेस वॉल्यूम, अगर आपको फोल्ड्स बन गए हैं, क्योंकि फोल्ड्स बनने की कुछ वजूहत है उसको भी हम छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं। जब आपका चीक गिर गया है और फोल्ड्स बन गए हैं और बहुत ज्यादा फोल्ड्स हैं, आई मीन इफ दे आर मॉडरेट ऑब्वियसली यू कैन जस्ट डू इट विद फिलर्स और विद सम सॉर्ट ऑफ बायो स्टिम्युलेशन, लेकिन अगर फोल्ड्स बहुत ज्यादा हैं तो ऑब्वियसली वो फोल्ड्स वॉल्यूम लॉस की वजह से भी हैं, और फिर आपका जो चीक ड्रॉप हो रहा है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी पुल और बिकॉज जो आप फैट लूज कर रहे हैं ओवर टाइम, उस वजह से भी हो रहा है। तो उसके लिए सपोर्टिव ट्रीटमेंट विद द थ्रेड लिफ्ट, आप धागों से खींचते हैं, स्किन को यहाँ पुल करते हैं, यहाँ एंकर करते हैं, और फिर उसके अंदर जो रेजिडुअल आपको वॉल्यूम लॉस है उसके अंदर आप फिल करते हैं, उससे आपका जो वॉल्यूम हार्मनी है फेस की वो लूज नहीं होती। अदरवाइज फॉर अ वेरी डीप सॉर्ट ऑफ लाइंस, इफ यू जस्ट फिल इट टू सॉफ्टन द लाइंस, इट्स गोना बी अ लॉट ऑफ वॉल्यूम इन द लोअर फेस व्हिच वोंट लुक गुड इवेंचुअली। सो इट्स बेटर टू पुल द फोल्ड्स इनिशियली विद द थ्रेड्स एंड देन सब्सिक्वेंटली फिल इन द रिमेनिंग वॉल्यूम रिक्वायर्ड, सो दैट आपको फिलर कम करना पड़े। और इसके अलावा लिफ्टिंग के लिए आपको डबल चिन बन गया है, बहुत ज्यादा डबल चिन है, यू नीड टू गो फॉर लाइपोलिटिक इंजेक्शंस, यू कैन गो फॉर सम अल्टरनेटिव choices to reduce double chin, jaise ke HIFU, jaise ke Silphomax, because it's microneedling with ablation. Let's just talk about HIFU and microneedling and discuss as well. Dono hi aapka fat dissolve karenge aur side by side skin lift karenge, lekin obviously agar fat bahut zyada ho to skin excessive skin bahut zyada hoti hai, to usko subsequently aapko pull karne ke liye kuch chahiye, either you go for some surgical correction for neck lift along with some you know liposuction, or else you just go with the thread lifting treatment. To ye patient hai, inka bada halka sa double chin hai, lekin jo inke jaw ko mask करता है, इनका जो जॉ की डेफिनेशन है वो नहीं आती है। सो वी हैव डन हाइफो ऑन हर बिकॉज ऑफ यू नो द फैट डिसॉल्विंग इंजेक्शन भी हमने इनके किए हैं, और अब जो रेजिडुअल स्किन इनकी रह गई है उसको हम थ्रेड्स के साथ पुल करेंगे टुडे, और इसके हम आपको रिजल्ट्स भी दिखाएंगे। जनरली व्हाट पीपल फियर विद थ्रेड्स, लोगों को एक तो ये ट्रीटमेंट देखते में बहुत डरावना लगता है, उनको लगता है कि धागा पूरे स्किन के नीचे जा रहा है, इट्स रियली पेनफुल। सो लेट मी अश्योर यू फ्यू थिंग्स, एक तो ये कि दिस इज द इजिएस्ट ट्रीटमेंट टू हैव अमंगस्ट ऑल द अदर एंटी एजिंग ट्रीटमेंट, बिकॉज ये जो ट्रीटमेंट है ये स्किन की ऐसी लेयर में हो रहा होता है जहां पे जनरली नर्व फाइबर्स नहीं होते, एंड जनरली पेशेंट इज वेरी कंफर्टेबल, बहुत ज्यादा पेन फीलिंग नहीं होती है कभी, यू नो द इंजेक्शन इज गोइंग एंड यू नो इट टचेस समथिंग तो कभी एक हल्का पुल्का प्रिक फील होता है, अदरवाइज यू नो इन द प्लेन वेयर वर्किंग इज जनरली पेनलेस। सो अगर आपको फिल्म देखने में बड़ी हॉरिफाइंग लग रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि ट्रीटमेंट हॉरिफाइंग है, इट्स अ वेरी कंफर्टेबल ट्रीटमेंट, इट्स वेरी पेनलेस ट्रीटमेंट जनरली एज यू कंपेयर विद द रेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। फिर दूसरा, ये अंडर लोकल एनेस्थीजिया होता है। लोकल एनेस्थीजिया का मतलब ये कि सुन किया होता है आपके पॉइंट ऑफ इंजेक्शन को, एंट्री को भी और
एग्जिट को भी, तो उसमें भी आपको कोई खास पेन नहीं होता। उसके बाद क्वेश्चन लोगों का होता है कि इसके बाद केयर क्या करना है, व्हाट शुड वी डू, व्हाट वी शुडंट डू वगैरह। एक तो ये कि जब आपने धागे करा लिए तो अल्ट्रासोनिक डिवाइसेस, अल्ट्रासाउंड ट्रीटमेंट, जैसे कि ट्राइपोलर्स, जैसे कि माइक्रोनीडलिंग्स, बेटर है कि अगर आप उसकी तरफ जाना चाह रहे हैं तो आप वो ट्रीटमेंट्स पहले ले लें और थ्रेड्स बाद में लें, बिकॉज थ्रेड्स जो है हीटिंग डिवाइसेस के साथ अर्लियर मेल्ट होते हैं। सेम गोज विद हाइफो, अगर आपने पेशेंट को हाइफो करना है, यू हैव टू बुक द अपॉइंटमेंट ऑफ हाइफो बिफोर गोइंग फॉर द थ्रेड, अदरवाइज योर थ्रेड्स विल मेल्ट अर्लियर देन दे मस्ट। देन व्हाट आर द अदर डूज एंड डोंट्स विद द थ्रेड्स, एक्चुअली नथिंग। हाँ, आपको दो तीन दिन सोरनेस रहती है जहाँ पे थ्रेड डाला होता है बिकॉज ऑफ फॉरन बॉडी, यू कैन जस्ट टेक अ पेन किलर। और उसके अलावा आपने स्विफ्ट मूवमेंट राइट एंड लेफ्ट नहीं करनी, ताकि जो धागा हमने डाला है वो अपना प्लेन के अंदर इजिली कंफर्टेबल हो जाए और ब्रेक ना आ जाए। आफ्टर 2-3 डेज ऑफ द ट्रीटमेंट यू गुड टू गो डू वट एवर। ओके, इसके अलावा वट आर द स्केरी पॉइंट्स अबाउट थ्रेड्स, जनरली देर इज नॉट अ लॉट ऑफ स्केरी पॉइंट्स। अगर आप सेफ हैंड से, एक्सपर्ट हैंड से ट्रीटमेंट करा रहे हैं, जनरली इट्स अ सेफ ट्रीटमेंट। बट यस, अगर हल्का फुल्का कोई डिम्पल, कोई बबल, कोई ये वो पुल करते हुए आ जाए, इट्स जस्ट शॉर्ट लिव सॉर्ट ऑफ साइड इफेक्ट, आपको एक हफ्ते में, 10 दिन में, 12 दिन में, 14 दिन में खत्म हो जाता है। सो नथिंग टू वरी अबाउट दैट, आई मीन दैट्स ऑल अबाउट इट। कोई ऐसी क्वेरी नहीं रह गई जो हमने ना टारगेट कर ली हो, स्टिल अगर रह गई है you can leave in comment section, we'll inshallah definitely record a video, because aapka jo feedback hai hamare liye wo sabse ahem hai। ye videos hum isliye record karte hain taki hamare clients ka ek insight apne skin ko leke, treatments ko leke improve ho jaye, because there's a gush of knowledge available on social media। Clients are confused what to believe, what not to believe। हम scientific बात करेंगे, scientific बात को you know backed up with proper research data, आप उसको verify करना चाहे जरूर करें, आपके लिए सेहत के लिए अच्छा है। इसके अलावा ये एक platform है जिसमें आप second opinion, third opinion खुद आप जेनरेट कर सकते हैं, और आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी अपने आप को लेके भी कि अगर आपको एंटी एजिंग करना है किस एज में करना है, व्हाट कैन बी अ गुड एंटी एजिंग ट्रीटमेंट फॉर यू, व्हाट एल्स ट्रीटमेंट ऑप्शंस डू यू हैव इन हैंड, व्हाट इज द बेस्ट इन योर बजट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इफ यू वांट टू बुक योर कंसल्टेशन विद अस फॉर सम सॉर्ट ऑफ सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, हम ग्लोबल ऑनलाइन कंसल्टेशंस ऑफर करते हैं। अगर आप कंफ्यूज हैं, आपको किसी डॉक्टर ने कोई मशवरा दिया, आपके एक्ने को लेके, हेयर फॉल को लेके, मेलास्मा को लेके कोई ट्रीटमेंट बताया, आप उसके लिए सेकेंड ओपिनियन लेना चाहते हैं, थर्ड ओपिनियन लेना चाहते हैं, आप हमें ऑनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हैं। द नंबर्स एंड द लिंक्स विल बी प्रोवाइडेड, और अदरवाइज आपको जाना चाहते हैं, यू कैन जस्ट लीव इन कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, इफ यू आर लविंग आवर कंटेंट, और अगर कंटेंट हम अच्छा बना रहे हैं, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग इट।